दोस्तों फिर से एक नया रिफाइन वीडियो, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। तो आज आप लोगों को दिखाएंगे, देखिए मेरे पास एकदम न्यू मॉडल ओप्पो कंपनी का मॉडल है। ओप्पो देखिए, इसका मॉडल देखिए CP8 2577, ये जो मॉडल है इसको ओप्पो का मॉडल है, ओप्पो A58 न्यू मॉडल एकदम। इसको डिस्प्ले चेंजिंग के लिए काम है दोस्तों मेरे पास। तो आज मैं आप लोगों को दिखाएंगे इस मॉडल का डिस्प्ले कैसे चेंज होता है, डिस्प्ले क्वालिटी में इसको कैसे सेट कर रहे हैं, डिस्प्ले चेंज करने के बाद क्वालिटी कैसे है, डिस्प्ले का ग्राफिक्स कैसे कर रहे हैं, मतलब ग्राफिक्स कैसे आ रहे हैं, टास्क कैसे काम कर रहे, डिस्प्ले का प्राइस कितना आएगा, सब कुछ डिटेल में आज इस वीडियो में आप लोग शेयर करेंगे दोस्तों। वीडियो को जो लास्ट तक देखेगा तो दोस्तों हम देखिए इसको जो डिस्प्ले पूरा ब्रोकन है दोस्तों, इसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे ऊपर में। तो अभी चलिए सबसे पहले बैक ग्लास को ओपन करना पड़ेगा। तो आराम से इसको बैक ग्लास को ओपन करते हैं। तो देखिए मोबाइल खोलने के लिए जो सिस्टम होता है ना, कभी कभी कुछ मॉडल में बैक ग्लास नहीं खोलते, पैनल खोलते, लेकिन पैनल तो अभी मैक्सिमम सिस्टम सब ग्लास हो गया था, पैनल अभी नहीं आता दोस्तों, मैक्सिमम सिस्टम अभी ग्लास हो गया। ठीक है, तो चलिए आराम से इसको देखिए, ग्लास खोलने के बाद जितना भी स्कूप है, स्कूप खोलने के बाद फिर मैं रिंग पैनल को ओपन करेंगे। और इसको फिंगर सेंसर साइड में खोलने का टाइम आप लोग ध्यान रखिएगा, देखिए साइड में फिंगर सेंसर होता है ना, उसको फ्लेक्स करने का टाइम डिक्स होता, खोलने का टाइम डिक्स हो जाता है, इसीलिए आप लोग ध्यान से काम कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आराम से इसको देखिए रिंग पैनल को ओपन करते हैं और आप लोगों को डिस्प्ले भी दिखाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये मॉडल का डिस्प्ले देखिए फर्स्ट टाइम मेरे पास काम आया दोस्तों, ओप्पो A58 मॉडल का। ठीक है, ओप्पो A58 4G मॉडल है दोस्तों इसको। तो चलिए इसको देखिए, ये होगा डिस्प्ले फ्लेक्स दोस्तों। तो अभी देखिए मैंने डिस्प्ले दिखा था आप लोगों को, देखिए तो ये देखिए दोस्तों, इसको ये डिस्प्ले देखिए ओप्पो A58। तो इसको जब मार्केट में मेरे को परचेस किया ना, तो इसको देखिए डिस्प्ले क्वालिटी वो लोग बोला था इसकी, इसको क्वालिटी बेस्ट अच्छा क्वालिटी का डिस्प्ले दोस्तों। तो मैं इसको बाहर निकाल के आप लोगों को दिखा दोस्तों, देखिए ये डिस्प्ले बिल्कुल सही है। तो क्योंकि देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखिए डिस्प्ले तो ये कंपनी ऊपर में नहीं लिखा, लेकिन इसको डिस्प्ले क्वालिटी आप लोगों को दिखाता हूँ, ऑन करके भी दिखाएंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये इसको जो डिस्प्ले है ना, इसको देखिए चले जूम करके दिखाता आप लोगों को, देखिए जो कंपोनेंट होता है यहाँ पे देखिए, जितना भी कंपोनेंट देख रहे हैं दोस्तों ये देखिए, इसका कंपोनेंट पूरा फुल पेस्टेड है। मैंने पिछले एक तो वीडियो भी शेयर किया था, डिस्प्ले में इसको जो फ्लेक्स है जो कंपोनेंट देगा दोस्तों, इसको कंपोनेंट देखिए फुल पेस्टेड है, बेस्ट क्वालिटी का डिस्प्ले दोस्तों। इसको फ्लेक्स भी कवर है दोस्तों, मतलब जो नीचे का जो फ्लेक्स है ना, फ्लेक्स देखिए इसको ब्लैक टेप से कवर है, और इसको देखिए कंपोनेंट देखिए फुल पूरा फेस्टेड कंपोनेंट है दोस्तों, मतलब ये क्वालिटी बिल्कुल बेस्ट होगा, अच्छा होगा। तो चलिए मैंने इसको देखिए सेटिंग करके आप लोगों को दिखा देते हैं एक बार क्वालिटी कैसे आएगा। तो चलिए इसको बैटरी को ओपन हो गया, अभी बैटरी तो ओपन किया, देखिए बैटरी सुपर भॉक लिखा ऊपर में, देखिए फास्ट चार्जिंग के लिए जो सुपर भॉक आता है ना चार्जर का, तो इसका देखिए बैटरी में भी इसको लिख दिया सुपर भॉक, मतलब सुपर भॉक कंपनी का भी बैटरी भी अभी आ रहा है दोस्तों, मतलब बैटरी बन रहा है। तो चलिए इसको देखिए डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, इसको उठाते स्टिकर को, अभी चलिए डिस्प्ले को खोलते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको डिस्प्ले देखिए, अरे इसको डिस्प्ले देखिए दोस्तों, सुपर एमोलेड जो ओलिड डिस्प्ले होता है ना, इसको ओलिड डिस्प्ले नहीं दिया है, इसका TFT डिस्प्ले दिया है, पहले से ओरिजिनल इसको TFT डिस्प्ले, मतलब अभी जो मैं सेट कर रहे हैं इसको भी TFT है, और इसको जो डिस्प्ले सेटिंग था ओरिजिनल ये भी TFT है। ओरिजिनल सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो होता है ना, मतलब जो ओलिड होता है, ओलिड डिस्प्ले इस मॉडल में नहीं है, इसलिए टेंशन लेने का बात ही नहीं है। इसको TFT डिस्प्ले आराम से सेटिंग कर दीजिए, टास्क भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्वालिटी भी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, अगर ओलिड डिस्प्ले होता तो उसको TFT डिस्प्ले सेटिंग करने का टाइम थोड़ा दिक्कत होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अभी डिस्प्ले ओपन हो गया, मेरा जो डिस्प्ले देखिए साइड में जो ग्लास प्लस टुकड़ा बहुत ज़्यादा है, इसको तो क्लियर करेंगे। तो चलिए इसको डिस्प्ले का भी साइड में रखते हैं, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स देखिए। तो चलिए कोई नहीं दोस्तों, इसको डिस्प्ले का साइड में रखने के बाद फिर इसको साइड में क्लियर करके नया वाला गम ग्लू लगा के सेटिंग कर देते हैं दोस्तों, हो गया मेरा काम। ठीक है, चलिए इसको साइड में ग्लास को क्लियर करते हैं, देखिए ये भी ग्लास है। तो ये काम करने का टाइम ध्यान से रख दीजिए, जो ग्लास टूट गया ना वो तो भाट रिक्स हो जाता है करने के लिए। ठीक है, इसको चलिए आराम से मैंने यहाँ पे ग्लू को साफ करते हैं, साइड में देखिए थोड़ा सा हल्का ग्लू भी रहेगा, इसको जो ग्लास का टुकड़ा वो भी रह गया, इसको देखिए जो टूट गया था डिस्प्ले, इसीलिए ग्लास का टुकड़ा भी रह गया था। तो मैंने इसको देखिए अभी डिस्प्ले को रेडी कर लेता है, आराम से साइड में क्लियर कर लिया। ठीक है, अभी डिस्प्ले रेडी करने के लिए, तो डिस्प्ले हर मॉडल को डिस्प्ले सेटिंग करने का पहले मैं आप लोग को देखा था दोस्तों, देखिए PC में जो स्टिकर होता है, स्टिकर जरूर उठना चाहिए, इसको उठा के सेटिंग करना चाहिए। नीनू बहुत टेंशन में गलती करते हैं, बहुत सी टेंशन में ये गलती करते हैं। मेरे पास जब सेटिंग डिस्प्ले एक बार चेंज हो गया, कस्टमर लेकर आया दोबारा चेंज करने के लिए मेरे पास, तो मैं जब देखता हूँ ना, तो उस टाइम मेरे को देखने के बाद देखते हैं इसको ये सब काम नहीं किया। तो कोई भी मॉडल आप लोग डिस्प्ले सेटिंग कर रहे हैं तो आप लोग उसको ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, इसको पीछे का जो स्टिकर होता है उसको उठा के सेट कीजिए, क्योंकि देखिए कंपनी सिस्टम भी दिया है इसको उठा के सेट करने के लिए, ऐसे डायरेक्ट सेटिंग करने के लिए नहीं दिया दोस्तों, कुछ तो कारण है ना दोस्तों, इसलिए आप लोग बोल रहे हैं। तो चलिए कोई भी नहीं, इसको देखिए उसके बाद से टास्क उल्टा सीधा काम नहीं करते, अच्छा रहता है दोस्तों इसलिए। तो चलिए आराम से इसको देखिए साइड में ग्लू भी लगा दिया, अभी डिस्प्ले सेटिंग करते हैं। तो डिस्प्ले सेटिंग तो हो गया, ज़्यादा हार्ड वर्क काम भी नहीं था, और ये मॉडल आप लोग साथ शेयर किया दोस्तों, देखिए ये मॉडल था एकदम न्यू मॉडल दोस्तों, ओप्पो A58 मॉडल। ठीक है, इसको डिस्प्ले चेंजिंग के लिए शेयर किया, इसलिए देखिए और डिस्प्ले का प्राइस कितना आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, डिस्प्ले का प्राइस कितना आएगा। देखिए हर एक टेंशन भाई
अलग अलग प्राइस लेता है दोस्तों, उसके हिसाब से प्राइस मतलब प्राइस लेता है। मैं जो कस्टमर को प्राइस लेता हूँ वही मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ दोस्तों, कस्टमर को प्राइस बोल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो प्राइस मैं लेता हूँ उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए कितना प्राइस आएगा डिस्प्ले का चेंज करने के लिए। थोड़ा सा कोई टेंशन में ज़्यादा भी ले सकते हैं, दूसरों की टेंशन भाई कम भी ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम एवरेज ऐसे मतलब रेट रहेगा दोस्तों। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको देखिए प्राइस कितने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने का मिलेगा आप लोगों। तो चलिए अभी मॉडल को सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग ऑन करके दिखाएंगे। अरे मॉडल था ओप्पो ए 15 मॉडल, ठीक है। तो उसको चलिए मैंने आराम से इसको फिंगर सेंसर को जो केबल है इसको मैं सेट करते हैं। अभी देखिए इसको हो गया लॉक, हो गया। चलिए तो चलिए मैंने आराम से अभी इसको जो जीते भाई इसको फिर इसको जो भी ओपन किया था उसको सेटिंग कर लेता। अरे देखिए मोबाइल TFT डिस्प्ले था, TFT डिस्प्ले सेटिंग किया, ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों। TFT डिस्प्ले पहले भी ओरिजिनल डिस्प्ले में था, अभी TFT डिस्प्ले सेटिंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सुपर एमोलेड डिस्प्ले होता उसके बाद फिर TFT डिस्प्ले सेटिंग करने के बाद थोड़ा सा ब्राइटनेस क्वालिटी थोड़ा सा लो क्वालिटी उसको ऐसे देखने का मिलता है। लेकिन ये जो डिस्प्ले ने सेटिंग किया ना बेस्ट है दोस्तों, आप लोगों को ऑन करके भी दिखाता हूँ, ब्राइटनेस क्वालिटी भी ओरिजिनल जैसे देखने का मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए इसको देखिए, बैक ग्लास भी ग्लू लगा के इसको सेटिंग कर दिया, हो गया अभी देखिए। तो चलिए इसको ऑन करेंगे अभी, हाँ चलिए इसको। अरे जो ग्लास देख दोस्तों, उसको ग्लास को साइड में गूला गया था, थोड़ा सा रबर बैंड लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको अभी ऑन करके आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर रबर बैंड लगाएंगे। तो चलिए इसको ऑन करते हैं अभी, देखिए देखो ओप्पो लिखा आ गया। तो अभी देखिए दोस्तों, ये जो ओप्पो लिखा है ना, ओप्पो लिखा का इसको जो ओप्पो इसको क्वालिटी देखिए दोस्तों। चलिए मैंने इसको दिखा दो, ये मॉडल तो आप लोग देख चुका है। तो चलिए इसको देखिए, ये जो ओप्पो लिखा है देखिए ऑन हो रहा है, इसको क्वालिटी देखिए दोस्तों। इसको अभी देखिए ब्राइटनेस क्वालिटी देखिए, अभी कितना ब्राइटनेस है दोस्तों, ये देखिए। तो ओरिजिनल जैसे सेम टू सेम ऐसे ब्राइटनेस था, इसको डिस्प्ले क्वालिटी बिल्कुल सही है दोस्तों। क्योंकि देखिए इसको डिस्प्ले मैंने देखने के बाद ही पता चल गया ये डिस्प्ले बेस्ट होगा, अच्छा होगा दोस्तों, इसलिए मैंने आप लोग साथ वीडियो को शेयर भी किया। आप लोग जरूर इसको लास्ट तक तो देखा, लेकिन अभी देखिए इसको ऑन करके भी दिखा दे, देखिए टास्क सही काम करेगा। डिस्प्ले देखिए अभी डार्क मूड में है दोस्तों, इसलिए ब्राइटनेस क्वालिटी आप लोग ऐसे देखने का मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले बिल्कुल सही है, टास्क भी देखिए बिल्कुल सही काम करेगा। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, ये देखिए टास्क, देखिए दोस्तों टास्क के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, बिना टेंशन में आप लोग सेटिंग कीजिए दोस्तों। बहुत से ऑडियंस मतलब गाइस सोचता है इसको सर्विस सेंटर जाकर लगा सकते थे, सर्विस सेंटर तो ओरिजिनल मिलेगा, लेकिन हम लोग जो प्राइस देते हैं ना सर्विस सेंटर वो प्राइस नहीं देगा उसको। आप लोग इसको देखिए, इसके लिए आप लोगों को रिपेयरिंग शॉप में रिपेयरिंग करना पड़ेगा। सर्विस सेंटर का बात अलग है, हम लोगों के पास बात अलग है, लेकिन डिस्प्ले क्वालिटी बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए टास्क के लिए कोई दिक्कत नहीं है, टास्क बिल्कुल सही काम करेगा, टास्क के लिए बिना टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। इसको देखिए बैलेंस कोड ये देखिए, टास्क भी देखिए सही काम करेगा दोस्तों। तो चलिए कोई नहीं दोस्तों, थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो पर देने के लिए शुक्रिया। तो आई होप वीडियो देखकर आप लोग को जानकारी मिले, कोई शिकायत मिले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। क्योंकि देखिए ऐसे रिपेयरिंग कंटेंट एनी टाइम अपडेट आप लोग को मिलता रहेंगे दोस्तों, ठीक है। इससे मॉल तो अभी सेटिंग भी हो गया, पहले जो डिस्प्ले था मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूं, अभी देखिए ये देखिए दोस्तों, इसको जो डिस्प्ले पहले था ये डिस्प्ले सेटिंग था इसको, तो इसको मैंने कॉम्पीट इसको उठा के नया वाला डिस्प्ले को सेटिंग किया। कैसे किया आप लोग देखा है, डिस्प्ले का प्राइस कितना आएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए प्राइस कितना आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।